ब्राह्मण समाज पूरे तरीके से माननीय सांसद जी के सुपुत्र आदरणीय करण भूषण सिंह के तरफ है। पूरे तरीके से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ब्राह्मण कट रहा, ये हो रहा, कुछ नहीं। करण भूषण सिंह जी जो है 5 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे कैसरगंज से, ये दावा है। अच्छा जी, हाँ। क्या इस पर मुद्दे क्या? मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। कम से कम शब्दों में? हाँ, कम से कम शब्दों में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोध गा रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोध गा रहा, मोदी जी के नाम का गुणगान कर रहा। देश के आन है मोदी, देश के शान है मोदी, इन पे है फक्र हिंदुस्तान को। श्री यादव जी, कई लोगों का ये कहना है कि मतलब विपक्ष का ये कहना है MY जो चलता है इनका, मुस्लिम और यादव, वो उनका चैनों से गढ़ा हुआ, तो आप क्या? वो तो एक हवा ही है। हाँ, हवा ही है खाली। अच्छा अच्छा। हाँ, वोट मोदी जी का। वोट मोदी जी का? वोट मोदी कारण है जो मोदी जी के पीछे इतना? अरे मोदी जी बहुत किहीन भैया, कुछ काम बता दो। किसान निधि दे रहा है, गल्ला राशन फ्री दे रहा है, गैस सिलेंडर दे रहा है, बहुत से काम है वो किए है, तो वोट और को पाई? अच्छा जी, उसके अलावा 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं खड़गे साहब, कांग्रेस वाले। अरे वो 10 किलो वो लेते पे कुछ भैया। हाँ, वो सब हवा ही है। हवा ही है। हाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर माहौल बिल्कुल टाइट है। हाँ, टाइट है। अच्छा जी। हाँ, मोदी जी का, नेता जी का कैसा माहौल लगता है इस बार नए प्रत्याशी? बढ़िया बढ़िया। हाँ, जनता के प्रति उनका व्यवहार कैसा रहता है? खूब बढ़िया। अच्छा अच्छा जी। हाँ, क्या नाम है आपका? पंडित चंद्रिका प्रसाद मिश्र। पंडित चंद्रिका प्रसाद मिश्र जी, एक खैर यहाँ ब्राह्मण थोड़ा बाहुल्य हैं यहाँ पर लोग, मैं यहीं से प्रश्न करना चाहूँगा। इसमें दो टर्म की लड़ाई हो रही है, ब्राह्मण और ठाकुर की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या कैसरगंज लोकसभा में? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सभी लोग सनातनी ब्राह्मण, सभी ठाकुर मोदी जी के साथ में हैं, और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, करण भूषण सिंह को जिताकर और मोदी जी को 400 पार कराना है। अच्छा। नहीं, सपा से जो कैंडिडेट मिले हैं वो पंडित जी हैं? वो पंडित जी हैं, केवल बल के बकरा बनाए गए हैं, उनके साथ एक भी ब्राह्मण नहीं है। हाँ। और सारा ब्राह्मण करण भूषण सिंह के साथ में है। हाँ। हम लोग जी जान से जुटे हुए हैं। हाँ। और हर बार कि यहाँ से ब्राह्मण जो है मंडल फखरपुर में और इस कैसर लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में ब्राह्मण जो है हमेशा भाजपा को वोट दिया है और भाजपा के साथ है, और अपना तन मन धन से हम लोग जो है इसमें क्षेत्र में लोगों से जाकर के बात। क्या इतने कौन से काम इतने अच्छे हो गए जो आप लोग बिल्कुल दीवाने हो? नहीं, मोदी जी की फिर आना चाहिए क्या? मोदी जी ने सर्वप्रथम तो पहले राम मंदिर बनवाया, जो हम सभी ब्राह्मणों को एक गर्व की अनुभूति होती है। दूसरा जो है धारा 370 समाप्त किया, जिससे हम लोग मांग करते थे कि धारा 370 समाप्त करो, पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू हो, और हर घर में शौचालय दिया, उज्ज्वला योजना दिया, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं, और हर जिले को जो है एक मेडिकल कॉलेज दिया, हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज डबल इंजन की सरकार की तरफ से मिली, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं, और हर महीने में मुफ्त 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से कर दिया है, और वो भी मुफ्त। हाँ। और जो आप उसका मोदी जी का ही नकल खड़गे जी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 10 किलो देंगे तो यूनिट पर देंगे कि कुल 10 किलो कर देंगे। अच्छा। यहाँ 55 लोग पा रहे हैं, 50 लोग पा रहे हैं, 45 लोग पा रहे हैं, वो मात्र 10 किलो बताए हैं। अच्छा। ये समझ नहीं आ रहा, ये कन्फ्यूजन है। हाँ। और उनकी इसलिए उनकी नियत साफ नहीं है। यहाँ तो 25-25 किलो लोग 10 किलो की बात कर रहे हैं। अखिलेश भैया संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, प्रदेश में 80 सीट की शर्त लगा रहे हैं वो। अखिलेश भैया जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन कांग्रेस ने किया, जिसके साथ वो इंडी गठबंधन कर रहे हैं। तब अखिलेश यादव कहां थे? क्यों नहीं संविधान बचाया? और मायावती के साथ जो है गेस्ट हाउस कांड हुआ, तब संविधान खतरे में नहीं पड़ा था? क्यों हुआ? उसके ऊपर जवाब देना चाहिए समाजवादी पार्टी को। अच्छा। हाँ, तो इस बार सब सही चल रहा है? इस बार तो यहाँ करण भूषण आ गए हैं, लोग युवा वर्ग जो है करण भूषण सिंह के साथ, सभी जात वर्ग, यहाँ जात नहीं रह गया, सब सनातनी एक है, सब सनातनी है, यादव ब्राह्मण ठाकुर बैकवर्ड सब एक धारा पर जा रहे हैं, और पूरा जो है कमल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा मोदी लहर है। हाँ। मोदी ने इतना विकास कर दिया है कि गांव शहर हो रहा है। अच्छा। कुछ विकास हमें भी गिना दो, पता चले लोग। जैसे बिजली देखिए, सड़क पर निकलिए, रात में जगजग जगजग तक हो रहा है। गांव में भी ऐसे ऐसे कमरे AC जो कल्पना ही की जा सकती थी कभी, है? और कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो मोदी न दिया हो। अच्छा। पूरी जनता संतुष्ट है, गरीब से लगा करके अमीर तक।
नहीं तो एक चीज और है, विपक्ष का कहना है गरीबों को दबाने का काम किया जा रहा है, अमीरों को उठाने का काम। ये सब हवाई है, ये सब गुमराह है, ये सब इनके कैंडिडेट जो एजेंट लगे हुए हैं जो गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, मोदी हटाओ, उनका और कुछ नारा ही नहीं, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये नहीं देखते हैं कि मोदी ने जो विकास करके दिखाया है, मोदी कभी नहीं हटेगा और मोदी आगे तक चलेगा, आगे तक जी। महंगाई बेरोजगारी दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं जी। है क्या महंगाई? ये बिल्कुल गलत है। महंगाई अगर हुई तो विकास देखिए, विकास दर कितना आगे बढ़ा, तो महंगाई कोई महंगाई नहीं खलती है। ये जो क्षेत्रीय पार्टी है अखिलेश, अखिलेश के कितनी सीटें हैं, कैसे टपाएंगे? ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ। ये सब हवा हुई है, सब हवा हुई साहब। तो इस बार फिर कमल खिलने वाला? अरे बिल्कुल, अब की पार 400 पार। चार सौ पार? हाँ। अच्छा। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार क्या।